हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एसेंशिव एजुकेयर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि ये एक एसएमई आईपीओ है, तो यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो 1,04,000 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम इस कंपनी के बारे में अब जानते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है इन कोलेबोरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस एसोसिएशन। यानी कि ये जो कंपनी है ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके साथ मिलके एक नए नए तरीके के जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और इनका एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं। और देखा जाए तो इंडिया के काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्होंने अभी तक जो इनकी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है ये NSDC से क्रेडिटेड है, मतलब उनको इनका सर्टिफिकेट मिला हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अभी 50,000 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग को इन्होंने ट्रेनिंग दी हुई है, यानी कि 50,000 के जो ट्रेनर्स हैं वो इनके यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। जिसके अंदर अगर हम देखेंगे जो वेरियस हार्डवेयर, नेटवर्किंग और जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं तो वो ये कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड की है, और ये कोलकाता में सर्विसेज प्रोवाइड की है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी शॉर्ट कोर्सेज जो होते हैं, जो छोटे मोटे यानी कि 10 से 15 मिनट की वीडियोज वाले जो कोर्सेज वगैरह होते हैं तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और उसके अलावा नए नए जो वर्कशॉप्स होते हैं वो भी ये कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, जाकि जहाँ पे जो प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे इनके वर्कशॉप को अटेंड करते हैं। अब यहाँ पर ये तो हमने कंपनी के बारे में जो बेसिक डिटेल थी वो हमने जान ली। अब यहाँ पे कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो नॉर्मल जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उससे कंपनी को यहाँ पे फुलफिल करना है, और काफ़ी छोटा सा आईपीओ, लगभग 2-2.5 करोड़ का ये आईपीओ हमें यहाँ पे नजर आता है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो नंबर्स है ये लैक्स में, यानी कि ये जो 918 है ये लैक्स में नहीं, यानी कि 9.18 करोड़ का ये नंबर हो गया। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 9.61 करोड़ के हमें यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स नजर आते हैं, और उसके बाद ये 10.27 हो गया, यानी कि लगभग 10 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 44 लाख का कंपनी को अभी टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, एक छोटी सी कंपनी है, 44 लाख की अगर हम बात करेंगे तो पहले 28 लाख था, फिर 43.5 हुआ है, तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हर साल हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो अभिजीत चैटर्जी और सयानी चैटर्जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं, यानी कि इन्होंने अब इस कंपनी को चालू किया है। अब यहाँ पर अगर हम आईपीओ डिटेल्स पे आए तो 30 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा, 4 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर हम एक शेयर की बात करेंगे तो 26 रुपीज का यहाँ पे आईपीओ प्राइस है, और 4,000 शेयर का यहाँ पे लॉट है, यानी कि 1,04,000 रुपये मिनिमम आपके पास होने चाहिए अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो। और ये आईपीओ BSE SME पे लिस्ट होगा, यानी कि NSE पे ये आईपीओ लिस्ट नहीं होगा, और 2.26 करोड़ का ये आईपीओ और पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी कि पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास नहीं जाएगा, ये पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ के लिए यहाँ पे यूज किया जाने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम टाइम टेबल की बात करेंगे तो 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 10 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, और 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 12 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और अगर आपको बाय करना है तो 12 तारीख को आप इसको बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 लॉट के लिए आप 1,04,000 रुपये आपको लगेंगे, और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 1 लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 1 लॉट से ज़्यादा अप्लाई करना है तो HNI कोटा में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 1.88 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, और 13.83 का हमें यहाँ पे पी रेशियो नजर आता है। देखिए, लगभग 2 करोड़ का आईपीओ है, अगर हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अगर डिमांड होती है और सप्लाई काफ़ी कम है तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट 40-50 का पी स्टॉक को दे सकता है। और देखिए, एक इतनी छोटी सी कंपनी है और जो 15% के लगभग का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ये काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे नजर आता है, और नेट एसेट वैल्यू भी यहाँ पे 12.47 है, यानी कि जो प्राइस टू बुक रेशियो का नंबर है वो हमें यहाँ पे 2 टाइम्स नजर आता
है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अच्छी हैं। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है और जो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ये कंपनी काम कर रही है, तो यहाँ पे अगर लगातार गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को पुश देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे इनको एक अच्छा बेनिफिट आने वाले टाइम पे मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से जो हमने सुबह एक एबी कॉटपिन करके एक आईपीओ था उसके बारे में हमने बात की थी, तो इन दोनों के कंपैरिजन में किस में अप्लाई करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इस आईपीओ में ज़्यादा आपको अलॉटमेंट के चांसेस कम रहेंगे। तो एक अच्छी डिमांड इस आईपीओ में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि तो वो 10 करोड़ का आईपीओ और ये 2 करोड़ का है, तो यानी कि उसका इश्यू प्राइस यहाँ पे 5 गुना में यहाँ पे नजर आता है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रेफरेंस आपका ये होना चाहिए, इसमें मेरे ख्याल से आपने अप्लाई करना चाहिए। अगर लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो अगर मार्केट में कोई करेक्शन नहीं होते तो मुझे लगता है 20-25% के लिस्टिंग एंड आपको मिल सकते हैं। क्या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए लिस्टिंग के बाद? मेरे ख्याल से अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो मेरे ख्याल से जरूर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि रिस्क एपेटाइट आपका हाई होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। अगर लिक्विडिटी कम होती है तो इजीली मैनिपुलेशन यहाँ पे ऑपरेटर कर लेते हैं, तो वहाँ पर अगर आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो 20-25% का मैं आपको गेन बता रहा हूँ तो 20-25% का आपको लॉस भी हो सकता है। यानी कि आप कम से कम यहाँ पे 20-25%, यानी कि आपकी 1 लाख की कैपिटल के ऊपर 20-25,000 का अगर आप लॉस लेना आपको चल सकता है तो ही मेरे ख्याल से आपने ये अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको एसेंसिव एजुकेयर के पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।